जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। बीते दिन आईटीआई के पास बने अवैध निर्माण जिसमें लोगों की झोपड़ी, टपरियां एवं कच्चे मकान सम्मिलित हैं, नगर निगम आयुक्त द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया था, जिसमें लोगों से बोला गया था कि आप सभी अपने मकान खाली करें और दो दिन के अंदर आपके मकानों को तोड़ दिया जाएगा, जिसके चलते आज लगभग 500 से अधिक लोग डीएम कार्यालय अपनी समस्याओं को लेकर गए थे। लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा कि यदि सरकार को हमारा मकान व झोपड़ियां तोड़नी ही थी तो हमारे लिए पानी और सरकारी शौचालयों की व्यवस्था करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों की, और यदि हमारे मकानों और झोपड़ियों को तोड़ दिया जाएगा तो लगभग 500 से अधिक परिवार बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे संवाददाता ऋषभ यादव ने उन लोगों से बात की तो लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ लोग अवैध निर्माण को हटाने को लेकर डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। आइए हम उन लोगों से मिलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। आज आप बताइए, आप लोग डीएम कार्यालय क्यों आए? भैया इसलिए आए क्योंकि ऐलान हुआ दो दिन पहले। किस चीज का? जे के जिन लोगों के मकान टूटना, गरीब आदमी के घर टूटने के लिए, वार्ड नंबर 31 में आईटीआई के पास। डीएम साहब ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? नहीं तो डीएम साहब ने जे दिया कि अब वो टूटेंगे नहीं, किसी ने झूठा ऐलान कर दिया कि वो जे मकान कट रहा। डीएम साहब नहीं मिले सर, हाँ वो दो दिन पहले 23 तारीख को ऐलान कर गए कि दो दिन में घर खाली करिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको यहाँ से घर खाली करना ही होगा। आप लोग कहाँ के निवासी हैं? हम सिद्धेश्वर नगर आईटीआई वार्ड नंबर 31 के रहने वाले हैं। हम लोग कम से कम कोई 20 साल से रह रहा, कोई 30 साल से, कोई 15 साल से, मीटर लग गए, आधार कार्ड बन गए, 30 साल से रह रहे हैं। हम लोग 30 साल से रह रहे, बिजली भी लगवा दी और पानी का बिल भी दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो उनको ऐसा सोचना चाहिए कि हम इतना तो गरीबों के साथ नहीं करना चाहिए कि गरीब अगर रह रहा है, प्रशासन तो आ गया है जे वाला। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी की एक ही समस्या है? हाँ यही समस्या है, सब एक ही है, सारे मकान टूट रहे हैं। 20,000 की आबादी है कि सब आदमी नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि गरीबों का कोई परेशानी नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि उन्हें कोई परेशानी होगी, लेकिन गरीबों को उजाड़ रहा है वो, उन्हीं को वोट डाला, आज उन्हीं की जनता की जय स्थिति हो रही, बताइए आप। बेटा उन्हीं से जीते, गरीबों ने वोट दिए, गरीबों को कह रहे कि हम हटाएंगे, गरीबी कह रहे अच्छे दिन आएंगे, जो अच्छे दिन आए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सब के आवास को अवैध निर्माण के तौर पर तोड़ा जा रहा है और ये लोग डीएम कार्यालय में आए हैं इस चीज की एप्लीकेशन देने के लिए डीएम सर की। जी हमारा कहना है जो राशन कार्ड हम लोग के पास तो राशन कार्ड नहीं थे, तो हम लोग उसी राशन कार्ड से हम लोग खाना खा रहे हैं, वही राशन कार्ड से हम लोग के पास खाने तक को नहीं है ठीक से, खाना भी ठीक से खाएं। बेटा हम लोग ने वोट इसलिए दिए थे, कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए कि हम लोग को घर बेघर कर रहा है, बताओ ऐसा थोड़ी। बार बार धमकी देते जा रहे कि तोड़ेंगे तोड़ेंगे, कहाँ तक तोड़ेंगे हैं? हमें तो पट्टे चाहिए, हम जहाँ के निवासी हैं मैं वही नवाज करना चाहिए।